रिकॉर्ड कर दूंगा, फिर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है? और जो तुम लोग वहाँ, तुम वहाँ से आके देख लेना, ठीक है? और उसके बाद बाकी सारी क्लास तो वैसे भी लाइव स्ट्रीम कर रहे होंगे, तुम लोग की चैट्स नहीं आएंगे, दिखाऊंगा, परेशान नहीं हो, नंबर को जो दिखना देख लेना, और मतलब जो पूछना पूछ लेना, एडिट नहीं हो पाएगी पर वो लाइव स्ट्रीम की मसला है। अच्छा बेटा बढ़िया, रिकॉर्ड करना मैंने स्टार्ट कर लिया है आपके लिए, तो मैं अगर कहीं कहीं मसला हो रहा है तो परेशानी वाली बात है थोड़ी सी ऐसे तो, बट देख लेना। अच्छा बेटा, तो सर जी जो कोने है ना, इस कोने के पास आपने याद रखना क्या, पेशावर है यहाँ पर, क्या है पेशावर, इस कोने पे क्या है हमारे पास, पेशावर, इस कोने पे क्या है सर जी हमारे पास, पेशावर, और इस कोने से सर ये देखो यहाँ पर इस ऊपर वाली बीक पे क्या है मेरे पास, चित्राल, क्या बेटा, CHITRAL, चित्राल, ये आ गया हमारे पास चित्राल, सही है बेटा ये, और गिलगित बल्तिस्तान में क्या बेटा, गिलगित ही है, GLIT, गिल, GIT, गिलगित, सही है सर जी, कोई मसले वाली बात, ये आ गया हमारे पास बेसिक वाले बेटा, अब थोड़े से मुश्किल वाले आएंगे, अब थोड़े से कहेंगे मुश्किल वाले, याद कर रहे सर भैया, नजर आ रहा है तुम्हें, नहीं आ रहा, अरे भैया क्या करें, खैर रिकॉर्ड तो हो रहा है यार, तो अब रिकॉर्डिंग इतनी बड़ी भी ना हो जाए कि मतलब तुम्हें अपलोड करते करते शाम हो जाए, सुबह हो जाए, खैर देखते हैं, चलो देखो भाई, अब हमारे पास बेटा सिटीज़ कहाँ पर जाते हैं बेटा, पंजाब में, सिटीज़ कहाँ पर जाते हैं बेटा, पंजाब में, और पंजाब के अंदर ही आपको क्या होगा मसला होगा, पंजाब के अंदर ही क्या होगा आपको मसला होगा बेटा, पंजाब का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट वाला सिटी है, पंजाब का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट वाला सिटी है उसका नाम क्या बेटा, मुल्तान, क्या नाम है बेटा, मुल्तान, सही है, पंजाब का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट वाला सिटी है बेटा उसका नाम क्या है, मुल्तान, सही है बेटा। इसके बाद इस वाली पीक पे आ जाओ, कोने पे, कोने पे क्या होगा बेटा, लाहौर, कोने पे क्या होगा, लाहौर, ठीक है, नहीं रुक जाओ नहीं कर रहा मैं, रुक जाओ, कोने पे, कोने पे दो सिटीज है ना हमारे पास, रुक जाओ, नहीं कोने पे लाहौर नहीं होगा, हाँ देखो कोने पे हमारे पास क्या है, सियालकोट होगा, सियालकोट, कोने पे क्या है सर जी हमारे पास, सियालकोट, और उसी की बेटा, उसी की बेटा लाइन में हमारे पास नीचे की तरफ क्या है, लाहौर, सही है, ये दो सिटीज सर आ गए हमारे पास, सबसे नीचे क्या है बेटा, मुल्तान, फिर हमारे पास कोने पे, कोने के रिस्पेक्ट से याद करो, सियालकोट और लाहौर, सियालकोट और लाहौर बेटा, सियालकोट के बिल्कुल सामने बेटा, सियालकोट के बिल्कुल पैरेलल यहाँ पर क्या होगा, इस्लामाबाद, यहाँ पर क्या होगा सर जी, इस्लामाबाद, सियालकोट के बेटा बिल्कुल पैरेलल, ठीक है, सियालकोट के बिल्कुल पैरेलल क्या होगा बेटा, इस्लामाबाद, और सियालकोट से बेटा बिल्कुल ऊपर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर मरी, क्या होगा बेटा, मरी, सही है, ये आए, ये आया, ये आया सर जी, एक सेकेंड दूसरे दिन नहीं आ रहा, कोई चला गया, क्या हुआ भाई, मैं नहीं कर रही, मुझे आवाज़ भी नहीं आ रही, अच्छा पेन सो जाओ भैया, सो जाओ यार, कोई बात नहीं, चेक करो, मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग सेंड कर दूँगा ना सारी, उसमें से देख लेना, मैं नोट्स बना रही भेजूँगी, सही है, अच्छा सही है, ठीक है बेटा, इसमें ऐसे कोई समस्या वाली बात नहीं, बस तुम्हें बस सब याद करना होगा, और बस कुछ रेफरेंस पॉइंट बना लेना, रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से देख लेना, मैं जो है, हाँ सही, मैं स्क्रीन शॉट बेटा सेंड कर दूँगा, मैंने अभी अरे यार रुको, मैं सारा जैसे बस क्या, मेरी मेरे एंड पे तो मसला नहीं हो रहा, यार मैं वापस से समझा रहा, यहाँ देखो वापस से सारा मिटा रहा हूँ, और वापस से बनाता हूँ, क्या देखना मिटा इस बढ़िया, इस बार भैया बिल्कुल भी नहीं चलना है इंटरनेट, तो बेटा सोचो टाइम जाएगा, नहीं सोच नहीं, कुछ और काम हम कर लूँगा, बाकी सारा सारा रिकॉर्ड हो रहा है, सही है, मैं सब अपलोड कर दूँगा, चलो बेटा सबसे पहले आ जाओ बेटा, तुम्हारे पास सबसे लोअर एंड पे कौन सा बेटा सिटी है, तुम्हारे पास मुल्तान, सबसे लोअर एंड पे कौन सा सिटी है बेटा, मुल्तान, सबसे लोअर एंड पे कौन सा सिटी है बेटा, मुल्तान बेटा, इसके बाद इधर आ जाओ, ये तुम्हें कोना नजर आ रहा है, अब सब कुछ बेटा सारा काम इस कोने के रिस्पेक्ट से करना है, सारा काम इस कोने के रिस्पेक्ट से करना है बेटा, इस कोने के बिल्कुल नीचे तुम्हारे पास क्या होगा, लाहौर,
कोने के बिल्कुल नीचे क्या होगा ल, और बेटा कोने के बिल्कुल ऊपर यहाँ पर क्या होगा सियालकोट, क्या होगा बेटा सियालकोट होगा, सही है बेटा सियालकोट के बिल्कुल पैरेलल, बेटा सियालकोट के बिल्कुल पैरेलल यहाँ पर क्या होगा बेटा इस्लामाबाद, यहाँ पर क्या होगा सर जी इस्लामाबाद, सियालकोट के बिल्कुल पैरेलल हमारे पास यहाँ पर क्या होगा इस्लामाबाद आया। कुछ और स्पेलिंग नहीं थी, वो हमेशा वही था हमेशा से पढ़ रहे हम हैं। क्या अच्छा कोई और अच्छा स्पेशल, मैं स्पेलिंग ही पढ़ रहा हूँ एनीवेज। अच्छा भैया देखो लाहौर बेटा सियालकोट के बिल्कुल पैरेलल क्या है इस्लामाबाद, सियालकोट के बिल्कुल पैरेलल क्या है इस्लामाबाद, और बेटा सियालकोट से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर, सियालकोट से थोड़ा सा ऊपर क्या है बेटा, सियालकोट से थोड़ा सा ऊपर क्या है बेटा मरी, सियालकोट से थोड़ा सा ऊपर क्या है मरी MUR EE मरी, सियालकोट से थोड़ा सा ऊपर क्या है मरी। अब बेटा सर जी आ जाइएगा, अब बेटा इसके बाद क्या है बेटा तुम्हारे पास बेटा सियालकोट से बिल्कुल पैरेलल क्या था इस्लामाबाद का, सियालकोट से बिल्कुल पैरेलल क्या था बेटा इस्लामाबाद, और फिर लाहौर से बिल्कुल पैरेलल क्या है बेटा गुजरावाला, लाहौर से बिल्कुल पैरेलल क्या है गुजरावाला, और मुल्तान गुजरावाला और मुल्तान के बीच में क्या है बेटा यहाँ पर फैसलाबाद, सही है ये आया गुजरावाला और मुल्तान के बीच में क्या है हमारे पास फैसलाबाद। मेरी शिप नहीं आ रही बेटा बिल्कुल वीडियो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सो रहे हैं मैं कर लूँगा वो रिकॉर्ड तो हो रहा है, सो आया। अरे बेटा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बाय बाय ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया आपका, कोई बात नहीं चलो। आयशा बेटा आया, ये आया। अरे यार बेटा को बुला लो मुझे सब, चलो सवाल अभी मैं ना मुझे पासपोर्ट भी तो करवाने, ये तो सारे बच्चों बच्चों वाली बातें हैं, ये तो मुझे इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, तो नोट से कर लोगे, चलो पासपोर्ट पासपोर्ट की मैं अलग से रिकॉर्डिंग करूँगा वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा सही, मेरा भी नेट ही रुक रहा था, चलो बेटा आयशा आया सारे जन में। सियालकोट से बिल्कुल देखना बेटा, सियालकोट से बिल्कुल पहले इस्लामाबाद, सियालकोट के ऊपर मरी, और फिर सियालकोट के नीचे लाहौर, और फिर लाहौर के बेटा बिल्कुल पहले तो हमारे पास गुजरावाला, गुजरावाला से नीचे फैसलाबाद, और फैसलाबाद से नीचे मुल्तान, सही है सर जी। बेटा ये हमारे पास आगे क्या, ये सर ये क्या आ गया बेटा हमारे पास सिटीज़, बेटा सिटीज़ के बाद तो मैं दो चीज़ें और आनी चाहिए, ज़रा सिटीज़ में बताया दूँगा बेटा, सिटीज़ के बाद तो मैं दो चीज़ें क्या आनी चाहिए और आनी चाहिए बेटा, वो क्या है बेटा तुम्हारे पास दो चीज़ें और हैं बेटा, डेजर्ट देख लिया हमने ठीक है, इसके बाद माउंटेन रेंजेस करेंगे, और फिर ज़रा कुछ और जो चीज़ें तुम्हारे एडिशनल बेटा सिलेबस में वो करते हैं, और फिर वहाँ पर चलो। अच्छा बेटा सुनिएगा, अच्छा बेटा सुनिएगा, क्या देखो बेटा हमारे पास बेटा बलूचिस्तान प्लेटू के ये सारे एरिया ठीक है बेटा, बलूचिस्तान बलूचिस्तान प्लेटू PLATEAU ठीक है, ये हमारे पास क्या है सारा बलूचिस्तान प्लेटू, और ये सारा थोड़ा सा बड़ा बन गया, और बेटा ये सारे एरिया क्या है मेरे पास, ये सारे एरिया ये सारे ये सारे एरिया पोटोहार प्लेटू, पोटो पोटोहार प्लेटू, ये आपको बेटा लेबल लेबल ये इसकी आपको लेबलिंग आनी चाहिए, ये बड़ा साफ सा ठीक है सही है। चलो भी आगे बढ़ते हैं, ये बड़ी सांची बात की बेटा, फोटो हार्ड वीडियो वगैरह भी होगी, आगे बढ़ते हैं चलो आगे चलो बेटा। अब जो हमारे पास बातें हैं ना, अब जो है हमारे पास बेटा आखिरी में क्या रह गया, हमारे पास रेंजेस रह गई बेटा माउंटेन रेंजेस, बेटा स्टार्ट करते हैं माउंटेन रेंजेस बेटा, माउंटेन रेंजेस हमने बेटा पहले भी थोड़ी बहुत डिस्कस की थी बेटा, माउंटेन रेंजेस में सबसे पहली बात की बेटा कराची से स्टार्ट करते हैं नीचे से, कराची से स्टार्ट करते हैं बेटा नीचे से बेटा, हमारे पास सबसे पहले कौन सी किरथा रेंज बेटा, किरथा रेंज कहाँ पर है, इस सारे एरिया पर, इस सारे एरिया पर क्या है मेरे पास किरथा रेंज, क्या बेटा किरथा रेंज, अगर बेटा मैं इसका थोड़ा तमीज़दार मैप निकाल के भी सेंड कर दूंगा गूगल से, परेशान नहीं हो ठीक है। ये क्या आ गई बेटा मेरे पास किरथा रेंज आ गई, ये कौन सी रेंज आ गई सर जी मेरे पास किरथा रेंज, सही है बेटा, बेटा पंजाब और बलोचिस्तान के बीच में इस सारे एरिया पर कौन सी रेंज है बेटा, सुलेमान रेंज, SULAMIN MINE सुलेमान रेंजेस, सुलेमान रेंजेस आ गई सर, सुलेमान रेंजेस के बाद सर कौन सी है सर तुम्हारे पास कोयटा के पास, सर दो रेंजेस हैं सर तुम्हारे पास कोयटा के पास क्या हैं, दो रेंजेस हैं यहाँ पर सर, क्या है तुम्हारे पास वजीरिस्तान हिल्स, क्या है बेटा वजीरिस्तान हिल्स, और बेटा इससे ऊपर, और बेटा बिल्कुल इससे थोड़ा सा ऊपर क्या है हमारे पास ये सफ़ेद को, क्या बेटा सफ़ेद को, ये सारी बेटा तुमने बातें पहले भी करी हुई हैं, जरा एक दफ़ा आपको वापस कराऊँ, ये मैंने सिर्फ बनवाया था ना तुम लोगों से सारे सबसे अलग अलग राइट, ये आ रहा है फिर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी निकल लूँगा किराए को इसके साथ, अरे बेटा मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी निकल लूँगा सारा रिकॉर्ड।
से बैठा है ज़बरदस्त, ठीक है। या कि वजीरिस्तान हिल भी आ गया, जल्दी 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 पढ़ो, पास से पहले से इंपॉर्टेंट बुक 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 करवाने। अच्छा बेटा, इसके बाद तुम्हारे पास दो रेंजेस और हैं, तुम्हारे पास ये बेटा काराकोरम हिमालयस, बेटा हिमालयस के नीचे की तरफ हमेशा लिखना बेटा, काराकोरम और हिमालयस बेटा सेम सेम रीजन पर ही आते हैं बेटा। यहाँ पर सारा क्या होगा, यहाँ पर होगा बेटा काराकोरम, काराकोरम बेटा ऊपर की तरफ है, इनकी बेटा तुम्हारे पास हाइट भी ज़्यादा होती है। और फिर यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ पर सारे क्या है बेटा हिमालयस, यहाँ पर क्या सारे हिमालयस, यहाँ पर क्या बेटा नीचे की तरफ है हिमालयस। और बेटा सबसे आखिरी में जो बिल्कुल सबसे अलग है बेटा, यहाँ पर क्या सारे हिंदू कश है, यहाँ पर क्या सारे हिंदू कश, हिंदू कश सबसे ऊपर, सही है। तो मसले वाली बात, ये बेटा हिमालय हीमा हीमा से रख लो हीमा, और ये करा के ए आर ए करा, सही है। जल्दी जल्दी करते हैं, ये बेटा मेरे पास कुछ आ गई रेंजेस, इसका मैं इसका मतलब मैं इन सबका बेटा वो सेंड कर दूंगा मैं तुम्हें, क्या क्या सेंड क्या सेंड कर दूँगा पिक्चर, सही है उसका, सही है आयशा बेटा। इसके बाद एक और चीज़ है, एक और चीज़ देख लेना ज़रा, मैं तुम लोग को एक 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 और पिक्चर वगैरह सेंड कर दूँगा, वो देखो ज़रा। अब ज़रा ये देखो, ये वाली स्क्रीन चेक करो बेटा। इसके बाद तुम्हारे सिलेबस में ना कुछ कुछ बेटा तुम्हारे एग्जाम में चाहता है कि तुम्हें कुछ और चीज़ें भी बतानी चाहिए बेटा। एग्रीकल्चर के चैप्टर में से तुम्हें बेटा वीट कहाँ पर है ये पता होना चाहिए, वीट कहाँ पर ग्रो होता है बेटा तुम्हें ये पता होना चाहिए। ये नज़र आ रहा है ना, ये इशारा नज़र आ रहा है ना बेटा, बेटा इशारा नज़र आ रहा है, अरे ये नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा टाइम तफरी नहीं लो, मतलब सीरियस पूछ रहा हूँ अब आ रहे। बेटा तुम्हारा एग्जाम में तुमसे चाहते हैं कि बेटा तुम्हें पता होना चाहिए वीट कहाँ पे ग्रो होता है बेटा, पूछ लेगा तो मैं तुमसे बेटा ऑन द मैप शो बताओ बेटा इन सब में से बेटा कौन सा एरिया जहाँ पर तुम्हें वीट ग्रो होता है। तो बेटा दीज आर ऑल द एरिया, तुम्हारे पास बेटा पंजाब का एरिया, ठीक है। और बेटा कुछ बेटा सिंध के एरिया क्या कहें जो कि बेटा अलॉन्ग द रिवर इंडस चलता है, यहाँ पर तुम्हारे पास वीट ग्रो होता है। फिर बेटा राइस, राइस बेटा अपर पंजाब पे बेटा, ठीक है। और तुम्हारे पास लोअर कराची के अंदर, और फिर बेटा तुम्हारे पास अलॉन्ग द रिवर इंडस, ये दो जगह पे ग्रो होता है। इसके बाद तुम्हें बताना चाहिए बेटा ये क्या है, कॉटन, कॉटन कहाँ पे बेटा, कॉटन भी इसी एरिया पे ग्रो होता है जहाँ पर तुम्हारे पास वीट ग्रो होता है। कॉटन भी बेटा सिमिलर एरिया पे होता है जहाँ पर तुम्हारे पास वीट ग्रो होता है। और बेटा तुम्हारे पास शुगर केन भी सिमिलर एरिया पे ही होता है। इन सबकी पिक्चर सेंड कर दूंगा बेटा, इन सबके सवाल हम लोग करते हैं डिस्कस, तो तुम्हें थोड़ा बहुत याद भी हो जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें बस थोड़ा बहुत बताना चाहिए। ए बेटा एप्रिकॉट्स और मैंगो है, सही है, ये तुम्हें बताना चाहिए। इसके बाद ये क्या है, ये फारे वेजिटेबल और मिलेट्स हैं, ठीक है। अब बेटा तुम्हारे पास ये एग्रीकल्चर में बेटा दूसरा जो एग्जाम चाहता है वो तुम्हें वो चाहता है कि तुम्हें पता हो कि बेटा क्रूस काम कौन से एरिया में बेटा तुम्हारे पास की फार्मिंग होती है। तो दीज आर ऑल द एरिया, मेन कोर्ट्स एरिया, और फिर मेन शीप एरिया, सही है, मेन शीप एरिया। बेटा इसके ऊपर सवाल भी आता है कि कोर्ट तो बेटा इतनी सारी जगह पर, शीप इतनी सारी जगह पर क्यों नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद बेटा फॉरेस्ट है, ये तुम्हें आना चाहिए, ये तुम्हें दी साइड इंपॉर्टेंट बेटा, फॉरेस्ट के ऊपर सवाल आता रहता है, दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा। बेटा राइस वगैरह कॉटन नहीं पूछे, पर ये जरूर पूछा अगर तुमसे बेटा कॉर्नी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का है बेटा ऊपर की तरफ सबसे ऊपर, सॉरी अल्पाइन फॉरेस्ट का है बेटा सबसे ऊपर। इसके बाद बेटा तुम्हारे पास कॉर्नी फॉरेस्ट, ठीक है। फिर बेटा तुम्हारे पास अलॉन्ग द बेटा रिवर्स इरीगेटेड प्लांटेशन, ठीक है बेटा, रिवर इंडिया के पास, रिवर इंडिया पहला, ठीक है। और फिर सबसे आखिरी में मैंग्रोव, ये तो मैं आना चाहिए, सुपर स्टार बना रहा हूँ मैं, अभी मैं सेंड भी कर दूँगा ये वाली फाइल, ये तो मैं आ रखना है, सही है उसको, सही है ऐशा, सही है ऐशा, सही उसको, सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा ये तो मैं आना चाहिए, चलिए जल्दी जल्दी भागो। फिर बेटा तुम्हारे पास ये लोकेशन ऑफ कोल फील्ड है, इसमें से मैं बोलता हूँ कोई तीन याद कर लेना बेटा, ठीक है, कोई तीन याद कर लेना, इसमें से मैंने कुछ लिखवाई भी थी, ठीक है बेटा। एक सिंध की याद कर लो ये, ठीक है, एक तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो दो तीन और याद कर लेना, इसके बाद ये, इसके बाद बेटा ये जो याद कर लेना बेटा कि तुम्हारे पास तीन, बेटा तुम्हारे पास तीन पोर्ट्स हैं। केटी बंदर बेटा तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मुझे पिक्चर नहीं मिली थी तो मैंने केटी ये वाली पिक्चर ले ली बेटा। गवादर पोर्ट कहाँ पर है, तेरा ये कौन सा पोर्ट है बेटा, गवादर पोर्ट है, सही है। इसके बाद बेटा कराची पोर्ट और पोर्ट बिन कासिम, ठीक है। केटी बंदर बेटा बीच वाला है, ठीक है, ये क्या होगा,
अच्छा बेटा इसी मैप में बेटा ये ना और ये गलत है, कराची पोर्ट बेटा दिस इज कराची पोर्ट ना, सही है? तो इसको थोड़ी सी गिनती की हुई है, और ये वाला पोर्ट क्या तुम्हारे पास, दिस इज पोर्ट मक्का है, ठीक है? और तुम्हारे पास बेटा एक और पोर्ट आना चाहिए तुम्हारे पास, वो कौन सा था पोर्ट, केमाड़ी पोर्ट बेटा, केमाड़ी पोर्ट भी तुम्हें आना चाहिए बेटा, केमाड़ी पोर्ट इज ऑल्सो ओवर हियर, केमाड़ी की माड़ी पोर्ट, केमाड़ी पोर्ट, इसकी मैं इसकी भी मैं पिक्चर ना तभी से रहा, केमाड़ी पोर्ट की मुझे पिक्चर मिल रही थी तो मैंने यही वाली पिक्चर्स में ऐड कर दी थी, केमाड़ी पोर्ट MARARI लिखा कि क्यों नहीं रहा ये बताने को, एक सेकंड लेट मी जस्ट, केमाड़ी सही है, तो केमाड़ी पोर्ट तुम्हारे पास एक पोर्ट है, ये सारी बातें बेटा हमने डिस्कस कर ली। अब आ जाओ बेटा बात पेपर के ऊपर, अब आ जाओ बेटा ये बेटा एक फाइल मुझे मिली थी, इसके ऊपर कुछ 40 क्वेश्चन है बेटा, ये पुराने वाले हैं, रिसेंट भी सर रिसेंट कैसे करेंगे बेटा, अभी मैं आपको इसके टॉपिकल एयरली चेक करवाऊंगा तो रिसेंट भी हो जाएंगे, सही है बेटा? अब स्टार्ट करते हैं, अब जरा मैं चाहता हूँ कि आप लोग बेटा साथ 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 रिस्पॉन्स करेगा, ऐसे ही वर्ग बेटा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा साथ रिस्पॉन्स करेगा बेटा, माइक खोल लें जरा, अगर खोल लेना प्लीज़, आगे पीछे के पास बेटा डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, घर वाले ज़्यादा जूते ही मार रहे होंगे तो मैं उससे फर्क हो सकता है, सही है बेटा? प्लीज़ ना, आई वॉन्ट यू गैस प्लीज़ रिस्पॉन्ड बेटा, जरा मैं तुम्हें ये वाली चीज़ अलग कर लूँ बेटा, इस रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर ली, प्लीज 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 बेटा, नाउ आई वांट टू माइक माइक करा बेटा, माइक नहीं चल रहा, घूम भी नहीं हो गए, तुम घूम भी नहीं हो, प्लीज आई वांट टू बेटा रिस्पॉन्ड बेटा, रिस्पॉन्ड के ना बेटा भी तू पा रहेगी, माइक मेरा गला खराब है, दिमाग खराब भी है, चल स्टार्ट कर दें जरा, प्लीज बेटा रिस्पॉन्ड करना, मेरे लिए फोन बहुत मुश्किल लगेगा बेटा, ये प्लान मैंने सबसे पहले क्या, सबसे पहले क्या बेटा, स्टेट एंड नंबर ऑफ डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड है बेटा, क्या लिखवाया था मैंने, ठीक है? सबसे पहले बेटा आ गया, फिर सबसे पहली चीज़ ही आ गई हमसे बेटा, ए वाई लाइन क्या वैल्यू थी बेटा, ए वाई लाइन की बताओ, ए वाई लाइन की तुम्हारे पास क्या वैल्यू थी बेटा, लॉन्गिट्यूड की लाइन है बेटा, ए वाई लाइन की तुम्हारे पास क्या क्या वैल्यू थी, बोलो बेटा, बोलो बेटा, बोलो बेटा, आता ही नहीं, आता ही नहीं, 63.5 या 64 बेटा, लेटिट्यूड की लाइन नहीं उसकी लाइन है, ठीक है 64 या 63.5 सही है सर, चलो बेटा पहला सवाल एक मार्क मिल गया तुम्हें जबरदस्त, क्या क्या आंसर आ गया बेटा, फर्स्ट सवाल का फर्स्ट सवाल का आंसर आ गया 64, क्या आंसर आ गया सर 64, गुड सर। नेम स्टेट द नेम गिवन टू एरिया बी, सर एरिया बी क्या है सर, एरिया बी इसका ऐसा नाम हमने क्या रखा था, इसका नाम हमने क्या रखा हुआ सर, इसका नाम बताऊंगी सर, इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, इसका नाम सी जगह का जहाँ पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जहाँ पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जहाँ पर हमारा कंट्रोल नहीं है, इस जगह का नाम क्या है, एरिया बी, तो इतने एडवांटेजेसफी हो गए ना हमारे पास, वन वन सी वन बेटा, इसका नाम हमने क्या रखा था, देखो बेटा के बी के साथ भाई मेरे को नहीं पता, फाटा से तो कह रही हो, ठीक है तो बेटा फाटा इस जगह का नाम है, सही जगह का नाम क्या है, FATA बेटा, ये इसका नाम रखा है। आगे क्या पूछा है बेटा, आगे पूछा है नेम द माउंटेन चेंजेस सी, बेटा सी कहाँ पे पड़ी है बेटा, सी कहाँ पे पड़ी है बेटा, ये रहा अक्षर जी सी बेटा, यहाँ पर क्या पड़ा था बेटा, बीच में है बेटा पंजाब और कोटा के, पंजाब और बलोचान के बेटा, या कोटा के आसपास बेटा बीच में, क्या नाम है सुलेमान, सुलेमान सही है, ये आ गया सुलेमान रेंजेस होंगी, ठीक है सुलेमान रेंजेस थोड़ी सी राइट पे नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर हिसाब किताब बोला तो थोड़ी सी और राइट होनी चाहिए, चलो और बेटा नेम द रिवर डी, नेम द रिवर डी, रिवर डी का नाम क्या है, क्या बेटा डेरिवेटिव बताओ, डेरिवेटिव बताओ बेटा, कौन सा रिवर है तुम्हारे पास हो रही है, क्योंकि मेरे यहाँ से शेयर हो रही है, कसा के पास हो रही है, ऐसे के पास नहीं, अब आ गई, चलो चाहिए बेटा रिवर डी का नाम बताओ मुझे, रिवर डी का नाम बताओ, अच्छा चलो मेरे पानी भरी, चलो जो सबसे सीधे हाथ वाला रिवर है उसका नाम क्या है, सबसे सीधे हाथ वाले रिवर का नाम रिवर, चलो भाई तुमको बहुत जल्दी है, झेलम चाहिए सर जी, कौन सा रिवर है, रिवर झेलम, तो मस्त रिवर है, चलो झेलम चलिए बेटा, ये तुम्हारे पास आ गया, ये आ गया हमारे पास नंबर डी का आंसर, भी क्या झेलम चलिए भैया, आ गया चलो अगला सवाल बेटा, कितने मार्क मिल गए, 1 2 3 4 मार्क आ गए भैया, अब देखो बेटा ये कौन सा टाइप ऑफ फॉरेस्ट, हाँ भैया इसका बताओ, ये जो फॉरेस्ट है, अरे अभी तुम्हारे पास सवाल किए मैंने बेटा, अब तुम्हारे पास ये सवाल किए मैंने,
देखो बेटा, सबसे पहले ये वाला कॉलेज कौन सा होगा बताओ? ये वाला कॉलेज जिसके ऊपर मैंने मार्क लगाया हुआ है बताओ बेटा। रिवर इंडस कहलाऊंगे, रिवर इंडस कहलाऊंगा बेटा। कौन सा फॉरेस्ट है अभी नहीं पढ़ाता हूँ, मैंग्रोव फॉरेस्ट रिवर इंडस कहलाऊंगे। ऐसे चाटा पड़ेगा इसको, मैंग्रोव फॉरेस्ट रिवर इंडस कहलाऊंगे। सेवारियन फॉरेस्ट, गुड, रिवरियन वाला, गुड गुड गुड। बॉडी फॉरेस्ट बनी पटना से होगी, ठीक है, रिवरियन। और बेटा ये वाले नीचे वाले फॉरेस्ट कौन सा है? ये वाले फॉरेस्ट कौन सा बेटा बोलो, ये वाले फॉरेस्ट कौन सा बेटा बोलो। तो मुझे ना बारी बार ना तुम्हारी मैसेज अलग दिखा, तुम्हें अलग दिखना पड़ रहा है। नहीं है, अच्छा, नहीं, ये वाला फॉरेस्ट कौन सा है? सर पानी के पास, सर उसके पास ही है। सी के पास कौन सा फॉरेस्ट है? अच्छा बेटा, मैंग्रोव फॉरेस्ट आ गया, ठीक है, ये भी हो गया बेटा। अब ये वाले फॉरेस्ट कौन से हैं सर जी? ये वाले फॉरेस्ट कौन से हैं? ये वाले फॉरेस्ट कौन से हैं? मेरे नेटवर्क चला गया, ठीक है।